प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हंसना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टॉनिक है, और सबसे बड़ा हसमुख वो है जो खुद पर हंसना जानता है। नमस्कार, मैं तारक मेहता। आज से 40 वर्ष पहले मैंने एक चौल को अपनी कल्पना की कलम से जन्म दिया था, और इसी चौल में रहने वाले अलग अलग किस्म के पात्रों के साथ बनी कहानियां दुनिया ने ऊंधा चश्मा को मैंने चित्रलेखा नाम के गुजराती मैगजीन के पन्नों पर उतारा था। और आज वो सारे लोग चित्रलेखा मैगजीन के पन्नों से निकल कर बदलते वक्त के साथ आपके टीवी स्क्रीन के द्वारा आपके घरों में आने वाले हैं। और मैं हूं आपका तारक मेहता। मुंबई में बसी दुनिया ने ऊंधा चश्मा की इस चौल को मैंने एक सोसाइटी का रूप दिया, और इस सोसाइटी का नाम है गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आइए ले चलता हूं मैं आपको इस बड़ी सी दुनिया में बसी एक छोटी सी दुनिया, ये दुनिया जहां बहुत सारे रंग मिलके खेलते हैं, रंग हंसी के, खुशी के, उल्लास के। सारे रंग अलग अलग हैं, लेकिन मिलके एक इंद्रधनुष बनाते हैं, इंद्रधनुष खुशी का। मैं खुद भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ, एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता हूँ, और अखबार में कॉलम भी लिखता हूँ। इस सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग मेरे और आप जैसे ही हैं। इनसे मिलकर आपको ये जरूर जाने पहचाने और अपने से लगेंगे। ये सारे वही पात्र हैं, जेठालाल, दया, टप्पू, हाथी, सोढ़ी, बबीता, रसिक भाई, बाबू भाई, अय्यर और मैं। ये लोग रोज यूं ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर हंस के गले मिलते हैं। और ये है मेरा घर, यहाँ मैं रहता हूँ, और यही रहकर मैं। हेलो, ये क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं, यही कि शादी के बाद अगर पति को बोलने का मौका न मिले तो ऐसी हालत हो जाती है। वेरी फनी। अच्छा ये देखिए, मैं आपके लिए नई शर्ट लाई हूँ। अरे मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती। एक्चुअली मैंने मेरे लिए ही दो नई ड्रेस खरीदी थी, जिसके ऊपर ये शर्ट फ्री मिला। क्या? हाँ। ये है अंजलि, मेरी बिटर, नहीं बेटर, यानी कि बेहतर आप, मेरी पत्नी अंजलि। और यूं कहूं कि मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी और मेरी कलम भी। वेल, आइए सबसे पहले परिचय करते हैं मेरे सबसे खास दोस्त और मेरे पड़ोसी जेठालाल से। जेठालाल वहां रहते हैं, जेठालाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक और गजब के सेल्समैन हैं, लेकिन हमेशा छोटे छोटे सुखों की तलाश में बहुत दुखी रहते हैं, और इस सोसाइटी के सबसे जिम्मेदार इंसान, क्योंकि कहीं भी कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार इन्हें ही ठहराया जाता है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा हाजिर हो। योर ऑनर, ये है जेठालाल चंपकलाल कड़ा। बेबी वो इंसान
जो इंसानियत का दुश्मन है और ऐसा गुनहगार जो टेररिस्ट से भी बढ़कर है और एक ऐसा मुजरिम जिसके लिए कानून की हर सजा कम है। योर ऑनर, इसकी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वालों का जीना हराम हो गया है। न वहां सुख है और ना ही शांति। इसकी करतूतों को अगर किसी टेररिस्ट को भी बताया जाए तो वो मारे शर्म के अपने सर पे बम फोड़ लेगा। लेकिन इसने किया क्या है? माय लॉर्ड, इसने एटम बम बनाया है। क्या? एटम बम? और वो भी अमेरिका की परमिशन लिए बगैर? ऑर्डर ऑर्डर। अरे जज साहब, ये वो एटम बम नहीं, ये जीता जागता बम है जो पिछले 10 सालों से सबके घरों में फूट रहा है। और उस ह्यूमन बॉम्ब का नाम है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। टप्पू टप्पू टप्पू? यस योर ऑनर, टप्पू जेठालाल का बेटा। और इस समाज के दुश्मन को, जिसने इस दुनिया में टप्पू जैसे टेररिस्ट बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। कानून भले ही अंधा हो लेकिन बिना सबूत किसी को सजा नहीं फरमाता। गवाहों को पेश किया जाए। मेरे सबसे पहले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस सोढ़ी। ओए पापा जी। मिस्टर एंड मिसेस सोढ़ी हाजिर हो। योर ऑनर, ये है मिस्टर सोढ़ी। पेशे से ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन अपने घर के कांच हर हफ्ते बदलते हैं। ये इनका शौक नहीं, मजबूरी है। हाँ तो रोशन जी। यस। मैं रोशन जी से कह रहा हूँ। जी कहिए। हम दोनों का ही नाम रोशन है। ये मिस्टर रोशन और मैं मिसेज रोशन। जज साहब, ये जेठालाल और उसके बेटे ने हम दोनों का जीना ही हराम कर दिया है। सब नाक में दम करके रख दिया है। ना दिन में जी सकते हैं, ना रात में सो सकते हैं जी। अरे पहले आप गीता की कसम तो खाइए। ओ वकील पाजी, आप भी कमाल करते हो। मेरी बीवी रोशन के होते हुए मैं मनसुखी गीता की कसम कैसे खा लूं? ऑर्डर ऑर्डर। ओ जी, इनका टप्पू है ना, वो मेरी गड्डी के सारे टायर पंचर करता रहता है। इतना ही नहीं जज साहब जी, ये मेरी खिड़की के सारे शीशे भी तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है। लेकिन जज साहब, हर बार मैं नुकसानी का भरपाई तो कर देता हूँ, फिर और क्या चाहिए? ओए कमाल करता है तू, यानी कि मैं हमेशा अपने घर के शीशे बदलवाता रहूं। ओ जज साहब जी, कुछ कीजिए, हमें इस जेठालाल और इसके बेटे टप्पू से बचा लीजिए जी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस हाथी। मिस्टर एंड मिसेस हाथी हाजिर हो। अरे वो सो रहे हैं उधर, उठाओ उनको पहले। चलो खुला रहे हैं। दो गोली सुबह, दो गोली शाम को। ऑर्डर ऑर्डर। ए मिस्टर, आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना है, आई मीन आपको जो भी कहना हो, यहाँ कटघरे में आकर कहिए। पहले तुम जाओ या मैं जाऊं? अरे टेढ़े हो क्या, आओ आ जाएंगे। देखा? योर ऑनर, ये है मिस्टर हंसराज हाथी, गोकुलधाम सोसाइटी के इकलौते डॉक्टर, और ये है उनकी पत्नी कोमल हाथी। हम कसम खाते हैं कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो मिस्टर हाथी, आप जज साहब को टप्पू के बारे में बताएं। उसका तो नाम ही मत लेना, एक बार मेरी डिस्पेंसरी में आके मेरी सारी दवाइयों के वो क्या कहते हैं, हाँ मेरी सारी दवाई के लेबल चेंज कर दिए। पूरे एक हफ्ते मैं वो सरदर्द वाले पेशेंट को
पेट दर्द की दवा देता रहा। जज साहब आपको पता है इनकी गलत दवाइयों की वजह से मेरे भाई का क्या हाल हुआ? उसने दांत दर्द के लिए दवाई ली थी और उसके सारे बाल झड़ गए। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, जेठालाल को अपने बेटे का नाम टप्पू से बदल कर पोटेशियम साइनाइड रखना चाहिए था। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हाजिर हो। गवाह है? जी जज साहब। जज साहब, मैं बिल्कुल सच बोलेगा। योर ऑनर, ये है मिस्टर अय्यर, हमारे देश के उभरते हुए साइंटिस्ट, और ये है मिसेस अय्यर, आई मीन बबीता जी, फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर डांसर थी। आई सी। हाँ, तो मिस्टर अय्यर, जज साहब को टप्पू के बारे में बताएं। जेठालाल मड़िया, टापू मड़िया, रंड मड़िया, कांगड़ा आर मणि जड़ा बंदरु पोपो, रम्मप्पा कंदर नल्लल, हिरंद मरंद जड़ा लाला, रंड मुंड कत्तर मंद मलेला। करेक्ट। क्या करेक्ट? क्या करेक्ट क्या? ये क्या बोला? जज साहब, इनका मतलब ये है कि हमारी न्यूक्लियर मिसाइल भी इतनी ज्यादा नुकसान नहीं करती जितना इनकी छोड़ी हुई मिसाइल, मतलब इनके बेटे टप्पू ने सोसाइटी में की है। बबीता जी, आप भी? I'm sorry जेठालाल, पर यही सच है। अरे, आप तो मेरी आखिरी इच्छा थी। मतलब मेरी आखिरी उम्मीद थी। आप जा सकते हैं। अरे तुम नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस भीड़े। मिस्टर एंड मिसेस भीड़े हाजिर हो। ऑनर, ये है मिस्टर आत्माराम भिड़े जो कि शिक्षक हैं, और ये है इनकी पत्नी माधवी भिड़े जो एक पत्नी है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। हाँ, तो मिस्टर भिड़े, टप्पू के बारे में कुछ बताएं। जज साहब, बच्चे तो हमारे आंगन का फूल होते हैं, लेकिन इसका बेटा टप्पू फूल नहीं है, इसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है और जिसकी सजा पूरी सोसाइटी भुगत रही है। टप्पू के बारे में जज साहब को और विस्तार से बताइए। जी, बच्चे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, शांत, समझदार, शिक्षकों को आदर भाव देने वाले, लेकिन इसके टप्पू ने मुझे परेशान कर दिया है। खुद पढ़ाई करता नहीं है और ना ही दूसरों को पढ़ने देता है, और हर सवाल का गलत जवाब देता है। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा टप्पू, तू इतनी सारी गलतियां दिन में कैसे कर लेता है, तो उसने कहा, मास्टर जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। ओडर, ओडर। बस इसी तरह सारे बच्चे हंसने लगे। इसका टप्पू बच्चों को बहकाकर उनका भविष्य खराब कर रहा है। मैं तो कहता हूं इसको और टप्पू को दोनों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। जा जा, नॉनसेंस, सोसाइटी तुम्हारा बाप की है। जज साहब, ये भी सोसाइटी में अपने घर में वो बच्चों का क्लासेस चलाते हैं, ट्यूशन क्लासेस, वो भी गैर कानूनी, उसका क्या? जज साहब, मैं तो बच्चों में ज्ञान बांटता हूँ,
देश के लिए भविष्य बना रहा हूँ। तुमने देश को क्या दिया है टप्पू? तुम्हारे भी कौन से बच्चे बड़े बड़े टाटा बिरला बन गए बोलो। अरे तुम्हारा बेटा किसी को पढ़ाई करने दे तब ना, आखिर संगत का असर तो होता ही है। हाँ तो ये मिस्टर भीड़े की संगत का असर उनके बच्चों पे क्यों नहीं पड़ा? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं। बस बस बस, अब किसी और गवाह की जरूरत नहीं है। जेठालाल, इससे पहले कि तुम इस दुनिया से साफ हो जाओ, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, बस हो गई सफाई। जेठालाल, ओहो, ये अदालत तुम्हें दफा 420, 840, 307, 612, 750, 250, 175, 199 के तहत तुम्हें गुनहगार ठहराती है और तुम्हें सजाए काला पानी, लींबू पानी, पानी पूरी, खज्जा पानी सब एक साथ सुनाती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे इस उम्र में मुझे छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? अरे क्या हुआ क्या? अरे क्या क्या हुआ, 10 साल पहले हम दोनों को टप्पू हुआ था, उसने उसके बाद कुछ होने के लिए बाकी छोड़ा है। बस शुरू हो गए आप मेरे लाल को कोसने के लिए। अबे ये तेरा जो लाल है ने, वो एक दिन मुझे काला पीला हरा नीला करके छोड़ेगा। क्या काला पीला नीला हरा? अरे जराक नटखट है। जराक? बिल्कुल छोटे कन्हैया की तरह। कभी प्यार से देखिए उसे, कितना भोला है, मासूम है, बिल्कुल नटखट है, बाल गोपाल की तरह। कितनी मीठी मीठी बातें करता है, कितनी प्यारी प्यारी शरारतें करता है। प्यारी? नॉनसेंस, सिर्फ तुम्हें लगता है कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। अरे घर तो छोड़ो, पूरी सोसाइटी को सर पे उठा रखा है। कहाँ वो तुम्हारा लाड साहब? मैं यहाँ हूँ पापा। ये देखो ये देखो, यही तो हमारा टप्पू है। अरे पता है मुझे, उसके हाथ में जो बैट है वो देखने की बात कर रहा हूँ। जब देखो तब खेलते रहता है। ए बैट साइड पर रख और चलो पढ़ाई करने बैठो, पढ़ाई करने बैठो। पापा आज सैटरडे और स्कूल में भी छुट्टी है और आज टप्पू के खेलने का दिन है। पापा 25 रुपया दीजिए ना। अरे ऐसा क्या खेलने जा रहा है कि 25 रुपया चाहिए? अरे टेनिस बॉल के लिए। अरे क्या हा? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे? एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ 25 रुपया दीजिए। मैंने बोला ना कुछ नहीं मिलेगा तुझे। नहीं दोगे? नहीं। नहीं दोगे? नहीं। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं दोगे ना? ये देखो तुम्हारा लाडला प्यारा सा किशन को नैया कैसे ऐसे करके अपने बाप के साथ बात कर रहा है। मैंने बोला ना नहीं दूंगा। ठीक है तो टप्पू अपना बंदोबस्त खुद करेगा। अब टप्पू खेलने जा रहा है। बाय बाय वाड़ी, रुक इधर रुक, तू कहीं नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा। ए, अच्छा मैं भी देखता हूँ कैसे जाएगा। ऐसे? कैसे? अरे सुनिए सुनिए, क्या हुआ? ब्रश तो करके जाइए। चुप टप्पू, टप्पू रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। टप्पू रुक जा, टप्पू मैं कहता हूँ रुक जा। टप्पू टप्पू रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। टप्पू रुक जा। अरे क्या हुआ? ब्रश तो करके हमें क्या ब्रश?
अरे भाग गया। अरे टप्पू टप्पू मत मारूंगा। ए चुप रह, चुप चुप। ए भाग गया टप्पू क्या जेठा भाई, ये क्या हाल बना रखा है, क्या भाग दौड़ कर रहे हो? अच्छा लगता है ऐसा सोसाइटी में ये सब करना? अरे अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता मैं टप्पू का करूँ क्या। कुछ मत करो, देखो किसके बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत है सिर्फ हमें उनके नजरिए से देखने की और समझने की। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे शरारत ही नहीं करे वो काहे के बच्चे? तो अभी मैं क्या करूं? चिंता मत करो, आराम से घर जाइए और सो जाइए। अच्छा ठीक है। ये है हमारी खास सोसाइटी के आम लोग, अब हम इनसे रोज मिलेंगे। हमारी सोसाइटी के किरदार भी ना अजीब है, ना एक दूसरे के साथ रह सकते हैं ना एक दूसरे से अलग, यही जिंदगी है। प्रॉब्लम सबके साथ है, बस नजरिए की बात है। लेकिन आज की ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, मजा तो तब आएगा जब कल टप्पू अपनी गेंद और बल्ला लेके इसी कंपाउंड में क्रिकेट खेलेगा और फिर टूटेगा किसी खिड़की का कांच और शुरू होगा एक नया मैच, नहीं नहीं एक नई महाभारत। तो अभी मैं चलता हूँ, कल आपसे मिलता हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.